तो हेलो गाइस, ये है टाटा नेक्सॉन का प्योर वेरिएंट। इस वीडियो में हम नेक्सॉन के प्योर वेरिएंट को देखने वाले हैं। इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है, इसमें कितने फीचर्स मिलते हैं, इस गाड़ी में कैसी स्पेस मिलती है, इस गाड़ी के क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस बताने वाला हूँ इस वाले प्योर वेरिएंट की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वाले प्योर वेरिएंट में कुछ ऐसी फ्लिप की देखने को मिलती है। यहाँ पर लॉक का बटन मिलता है, यहाँ से आप इसकी हेडलाइट्स को ऑन कर सकते हो। ये इसकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और उसी से आप इसे बंद भी कर सकते हो। और यहाँ पर इसके नीचे इसमें अनलॉक का बटन देखने को मिलता है। ये तीन बटन्स मिलते हैं इसमें। अब बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में। तो आते हैं इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल में। तो फ्रंट से कुछ ऐसी लुक्स हैं इस गाड़ी की प्योर वेरिएंट की। यहाँ पर इसमें फ्रंट में कुछ ऐसी ग्रिल मिलती है। यहाँ पर इसमें ऊपर की तरफ DRLs मिलती हैं जो कि काफ़ी स्टाइलिश हैं, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर पीछे ये एक्सटेंडेड पार्ट मिलता है इसमें। यहाँ पर इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती हैं। यहाँ पर आपको फॉग लैंप्स की जगह खाली मिलेगी इसमें, इस वाले वेरिएंट में ऐसा कुछ आपको फ्रंट का इसमें बम्पर मिलेगा। काफ़ी बड़ी रेडिएटर ग्रिल मिलती है इसमें। यहाँ पर टाटा का लोगो मिलेगा। ये सब कुछ मिलता है इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल में प्योर वेरिएंट की। और साइड प्रोफाइल से आप इस गाड़ी की लुक को देख सकते हो। यहाँ पर इसमें आपको साइड प्रोफाइल में 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं व्हील कैप्स के साथ। इसमें पियानो ब्लैक फिनिश में ORVMs मिलेंगे जिसमें इंडिकेटर्स मिलते हैं, ये आप देख सकते हो इसके ORVMs। यहाँ पर इसमें ऊपर की तरफ बॉडी कलर्ड रूफ मिलती है। यहाँ पर इसमें 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। डोर क्लैडिंग मिलती है, ब्लैक डोर हैंडल्स मिलते हैं इसमें। और यहाँ पर ये ब्लैक लाइन मिलेगी इसमें। और यहाँ पर आपको 50 lakh कार्स का स्टिकर मिलता है। रियर डोर हैंडल कुछ ऐसा मिलेगा इसमें। रियर में इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। और अब आते हैं इसकी रियर प्रोफाइल में। तो रियर से कुछ ऐसी लुक्स हैं इस गाड़ी की, ये देख सकते हो। यहाँ पर इसमें सबसे ऊपर शार्क फिन एंटेना मिलेगा और ऐसा कुछ इसमें स्पॉइलर देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसमें आपको रियर वाइपर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसका वाइपर जो है वो यहाँ पर अंदर की तरफ इंटीग्रेटेड आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको टाटा का लोगो मिलता है। और ये रही इस गाड़ी की LED टेल लाइट्स जो कि फुल कनेक्टेड आपको देखने को मिलती हैं। और ये जलती हुए काफ़ी ज़बरदस्त लगती हैं रात के समय। ये पूरी कनेक्टेड मिलती हैं और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर नीचे रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं इसके बम्पर में। रियर में पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। यहाँ पर इसमें नेक्सॉन की बैजिंग मिलती है। तो ऐसा कुछ है इस गाड़ी का एक्सटीरियर। अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में, इस गाड़ी का डोर ओपन करते हैं। ये रहा इस गाड़ी का डैशबोर्ड, कुछ ऐसा मिलता है आपको प्योर वेरिएंट में। यहाँ पर इसमें फ्रंट में कुछ ऐसी सीट्स मिलती हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं दोनों सीट्स में। यहाँ पर फ्यूल लिड खोलने का लीवर मिलेगा। यहाँ पर AC वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर ORVM को एडजस्ट करने के कंट्रोल्स मिलेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा डोर मिलता है इसमें, वाइट फिनिश मिलती है यहाँ पर। यहाँ पर चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं इसमें। यहाँ पर डोर ओपनर मिलता है ब्लैक में, लॉक अनलॉक मिलता है। यहाँ पर इसमें कुछ ऐसी फिनिश देखने को मिलती है अलग तरीके की। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिलता है, स्पीकर मिलता है। यहाँ पर इसमें बोनट खोलने का लीवर आपको देखने को मिलेगा। और ये रहा इस गाड़ी का इंटीरियर, कुछ ऐसा लगता है अंदर से देखने में। ये आप देख सकते हो इसका डैशबोर्ड। यहाँ पर इसमें आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलेगा। ये 2-स्पोक स्टेयरिंग व्हील है। यहाँ पर आपको टाटा का लोगो मिलता है इसमें इल्यूमिनेटेड। इसे ऑन करते हैं तो इसमें कुछ ऐसा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। ये पूरी इसकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं जब गाड़ी को आप ऑन करोगे तो। ये आप देख सकते हो इसका स्टेयरिंग व्हील, आपको फ्लैट बॉटम मिलता है। यहाँ पर आपको इसमें टाटा का लोगो मिलेगा इल्यूमिनेटेड। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं फ़ोन कॉल्स के, ब्लूटूथ के और वॉइस कमांड के। यहाँ पर इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी सेटिंग्स वगैरह को। और ऐसा कुछ स्टेयरिंग व्हील है। यहाँ पर इसमें वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं और यहाँ पर लाइट्स के कंट्रोल्स मिलते हैं इसमें। और ये है इसका फुल डिजिटल स्पीडोमीटर, कुछ ऐसा इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर RPM मीटर मिलेगा। यहाँ पर आपको फ्यूल दिखाएगा राइट साइड में। यहाँ पर आपको ट्विटर्स मिलते हैं इसमें। इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलेंगे बेस वेरिएंट से। ये रहा इसका सेंटर कंसोल। सबसे ऊपर आपको 7 इंच की डेस्कटॉप स्क्रीन मिलती है इसमें प्योर वेरियंट में। इसका रिस्पॉन्स डिसेंट है।
इसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है। यहाँ पर दो एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, ये कुछ ऐसे हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके की टेक्सचर देखने को मिलता है डैशबोर्ड में। यहाँ पर अलग फिनिश मिलती है कार्बन फाइबर टाइप की। यहाँ पर इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। ये पूरा इसमें आपको टच पैनल देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा। यहाँ पर आपको पूरे टच बेस्ड कंट्रोल्स मिलते हैं इसमें सभी चीज़ के। यहाँ पर इसमें हज़ार्ड और बूट खोलने के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ से आप एसी की फ़ैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। और भी काफ़ी फीचर्स मिलते हैं। और यहाँ पर इसमें आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिलेंगे, एक आपको 12V का मिलता है और एक USB पोर्ट मिलता है इसमें। और यहाँ पर इसमें 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है कुछ ऐसा है। यहाँ पर इसमें आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट। ये सिलेक्टर मिलता है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी दिखाएगा। यहाँ पर ये हैंड ब्रेक मिलती है मैनुअल। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मिलते हैं और यहाँ पर पीछे भी कप होल्डर्स मिलते हैं इसमें 2। और इसके ग्लव बॉक्स है, इसमें काफ़ी बड़े साइज़ का आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो काफ़ी डीप है ये। और काफ़ी सारा सामान यहाँ पर आपका आ जाएगा काफ़ी आराम से। और यहाँ पर इसके सनवाइज़र में कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर इसमें मैनुअल IRVM मिलता है इस वाले वेरिएंट में। यहाँ पर रीडिंग लाइट्स मिलती हैं वाइट कलर की। यहाँ पर कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते। यहाँ पर माइक मिलता है इसमें। और दूसरे वाले सनवाइज़र में आपको वैनिटी मिरर मिलता है इसमें, लेकिन लाइट नहीं मिलती है। और ये ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं इसमें सभी साइड्स पर। कुछ ऐसी सीट मिलती है इसमें। यहाँ पर ये सीट कवर्स जो हैं वो ऐसे सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो ये सब फीचर्स मिलते हैं आपको नेक्सॉन के प्योर वेरिएंट में। और अब चलते हैं इस गाड़ी की रियर सीट्स में। अब इस गाड़ी का रियर डोर ओपन करते हैं और देखते हैं कि पीछे कैसा स्पेस मिलता है इसमें। तो रियर में इसमें कुछ ऐसा डोर मिलेगा वाइट और ब्लैक फिनिश में। यहाँ पर कुछ ऐसा टेक्सचर मिलता है, डोर ओपनर मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी। यहाँ पर ये कंट्रोल मिलता है आपको विंडो का। यहाँ पर स्पीकर मिलता है, नीचे थोड़ी सी स्पेस मिलती है। यहाँ पर इसमें ट्विटर मिलेगा। और ये रही इस गाड़ी की रियर सीट्स। इसमें 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो अंदर से बैठने में कुछ ऐसा, इसमें आपको नी रूम मिलेगा ड्राइवर सीट पूरी पीछे होने के बाद। ये पूरी पीछे है सीट इसकी। यहाँ पर सीट पॉकेट्स मिलती हैं रियर में। AC वेंट्स देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है इस गाड़ी का डैशबोर्ड पीछे से। यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं इसमें। अब देखते हैं इस गाड़ी का बूट स्पेस। तो यहाँ पर इसमें आपको नीचे कोई भी बटन नहीं मिलता है, आपको इंटीरियर से ओपन करना पड़ेगा। अब इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर इसमें आपको 382 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी के सेगमेंट के हिसाब से। इस गाड़ी में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है। ये इंजन 120 BHP की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है। इसमें आपको 17.44 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। इसके अलावा इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी मिलता है। ये 110 BHP की पावर और 260 Nm का टॉर्क देता है। इसमें 23 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस के बारे में। ये जो नेक्सॉन का प्योर वेरियंट है, इसकी पेट्रोल इंजन में एक्सट्रूम प्राइस है 9.69 लाख और इसकी ऑन रोड प्राइस है 10.86 लाख। ये पेट्रोल इंजन की प्राइसेस हो गई इस वाले प्योर वेरिएंट की। और अब बात करते हैं डीजल इंजन की प्राइसेस के बारे में। तो इसकी प्योर वेरिएंट की डीजल में एक्सशोरूम प्राइस है 10.99 लाख और इसकी ऑन रोड प्राइस है 13 लाख। तो ये थी टाटा नेक्सॉन के प्योर वेरिएंट की ऑन रोड प्राइसेस। तो ये था टाटा नेक्सॉन का प्योर वेरिएंट। तो बस यही था इस वाली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए नीचे या शॉर्ट कार्ड्स को सब्सक्राइब कर लो।